माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पूरी तौर पे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इनका केवल और केवल उद्देश्य है आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ये किसी भी तौर पे आपको बाय सेल रिकमेंडेशंस हम नहीं दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका केवल उद्देश्य है एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये देखिए दोस्तों, क्या रिजल्ट आ रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 12% अप, एमटीआर टेक्नोलॉजी 10% अप, ईआईएच 9% अप, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 8% अप, लेटेंट व्यू 6% अप, एनएमडीसी 6%, जीएमएम फोदार 5%, रेल विकास निगम 5.53, गेल 5.52, हिंदुस्तान कॉपर 5%। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे स्टॉक्स पकड़ना चाहते हैं? सुबह सुबह मार्केट खुले, स्टॉक्स आपके सामने आ जाए 9:17 पे और आप बना लें 3-5% और क्या चाहिए। रेल, ये है आज का हमारा, कहा जाए कि स्कैनर, जो कि आपको देगा धमाकेदार रिटर्न अगर आपने सही समय पर इसके अंदर स्कैनर चला दिया और आपको दे दिया अच्छा खासा रिटर्न, तो आप हो जाएंगे खुश, राइट। तो आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद केके चैनल, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं एक से बढ़कर एक वीडियोस। हमारी टीम टोटली और टोटली एजुकेशन के लिए समर्पित है, एजुकेशन ही हम दे रहे हैं। और आज भी इस श्रृंखला में हम आपके साथ एक बहुत अच्छा स्कैनर लेके आए हैं चार्टिंग पे, जिसको आप रन कर सकते हैं। और अगर आप 9:17, 9:18 यानी मार्केट खुलते ही इसे अगर आप यूज करेंगे, और अगर आपने चार्टिंग का प्रीमियम, कहा जाए कि जो 600-700 रुपए में इसका जो प्लान मिलता है, अगर वो आपने ले रखा है, तो आपको लेटेस्ट स्टॉक्स वहां मिलते हुए दिखाई देंगे और उन स्टॉक्स को आपको राइट टाइम पे एंट्री कर लेना है और तुरंत आपको वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाई मिल सकता है अगर आपने सही समय पर उसको पकड़ लिया। किसी भी तौर पे ये जो स्टॉक्स हैं, मैं पोजिशनल के लिए नहीं बता रहा हूं, ये केवल और केवल आपको 9:17, 18, 20 तक में ये रन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर जो हमने, कहा जाए कि जो स्कैनर के अंदर जो हम आज कोडिंग करने वाले हैं, जिस तरह से हम स्कैनर को बनाने वाले हैं, ये जैसे जैसे स्कैनर चलता जाएगा, स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता जाता है, इसके अंदर और भी स्टॉक्स आते जाते हैं, बट सुबह सुबह जब आप चलाएंगे इसको 9:15, 9:17, 9:18 के आसपास, तो इसके अंदर कम ही स्टॉक्स आएंगे और हमें केवल उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है। अब आप जाके इसको 12 चलाएंगे, बोलेंगे सर यहां तो 50 की लिस्ट आ गई, अब मैं क्या करूं, किसमें ट्रेड करूं, तो भाई मैं उसमें कोई मदद आपकी नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया आपको सुबह सुबह से रन करना है, चलाते ही जो स्टॉक्स आए तुरंत ऐड कीजिए और जैसे ही ब्रेकआउट आए उनके अंदर ट्रेड कीजिए, ट्रेल कीजिए, जिस तरह से जो टेक्निकल इंडिकेटर आपको लगाना है लगाइए और मुनाफा बनाइए। मेन है आपको स्टॉक सिलेक्शन करके देना, वो ये करके देगा। अब कैसे मुनाफा बनाना है उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, जाइए चेक कीजिए और उनकी सहायता से प्रॉफिट बनाइए, राइट। तो आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद केके चैनल, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं एक से बढ़कर एक वीडियोज। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी भी शिकायत है आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं करके जा रहे। कल के वीडियो पे भी हमने देखा 1500 व्यू हमारे आए हैं, बट कमेंट आप जाके देखिए तो बहुत कम कमेंट है। दोस्तों, कल स्कैल्पिंग हमने दिया आपको, स्कैल्पिंग कोई बेकार चीज नहीं है। अगर आप पूछें किसी से, स्कैल्प एक तो समय आपका कम लेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी कल अच्छे अच्छे निकलते दिखे। किसी ने बोला आपने लॉस का नहीं दिखाया, मैंने लॉस का भी दिखाया कल, आप देखिए चेक कीजिए, जब आपको लॉस हो रहा है तो बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही बहुत छोटे आ रहे हैं कल। और हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी ही ट्रेड चाहिए भाई, हमारे स्टॉप लॉस हो छोटे, टारगेट आए बड़े। हमने कल आपको 1:20 तक भी दिखाया एग्जाम्पल, जाके चेक कर लीजिए वीडियो के अंदर। तो अगर 1:20, 1:5, 1:10 अगर आपको मिल रही है ट्रेड, तो और उससे अच्छा क्या हो सकता है एक ट्रेडर के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार 1:10, 1:20 मिलेगा, बट ये जरूर होगा कि हाँ आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा और प्रॉफिट होगा बड़ा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं
आज के अपने स्कैनर के तरफ और इसे बनाते हैं हम सब मिलके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है और यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है chartinc.com, जो कि एक फ्री वेबसाइट है। इस पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, क्रिएट स्कैन पे क्लिक कीजिए। और क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ 500 निफ्टी 500 के स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ प्लस का बटन दबाया और यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है, प्लस बटन दबाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ नंबर्स की बजाय हम लिख देंगे हाई, और हम इसमें लेंगे लेटेस्ट हाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस लेटेस्ट हाई माइनस लेटेस्ट लो, यानी अभी जो लो बन रहा है और लेटेस्ट हाई जो बना है इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, ये हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए दोस्तों, ये हम हाई और लो देखेंगे, कल का जो हमारा है उस रेंज से ज्यादा होना जरूरी है। यहां पे फिर से हम हाई कर देंगे, बट ये वाला हाई जो हमारा होगा ये होगा वन डे एगो, राइट। और यहां पे हम कर देंगे माइनस, और यहां पे हम कर देंगे लो, यानी कि एक दिन पहले के हाई और लो से हमारा आज का अभी जो हाई और लो चल रहा है वो ज्यादा होना जरूरी है, राइट। ये समझ में आ गया सबको। अब इसी तरीके से हम यहां पे फिर से लेटेस्ट हाई लो को दो दिन पहले और तीन दिन पहले का भी हाई लो है उससे कंपेयर करेंगे। तो हम इसको सीधे हम क्या करेंगे, हम कॉपी कर देते हैं और यहां पे वन डे को हम कर देते हैं टू डेज, और इसको कर देते हैं थ्री डेज, और फिर से इसको कर देते हैं टू डेज, और इसको कर देते हैं थ्री डेज, यानी कि लेटेस्ट हाई लो का जो हमारा अंतर आ रहा है वो तीन दिनों के हाई और लो के जो कहा जाए कि जो अंतर था उनसे बढ़कर आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक्स हमारा निकल के आएगा वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ रहा है हमारा, राइट। अब हम यहां पे एक और चीज पकड़ेंगे कि हमारा जो अभी लेटेस्ट क्लोज आ रहा है वो हमारे ओपन से भाई ज्यादा होना जरूरी है, तभी हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक मिल रहा होगा। यानी जहां मार्केट ओपन हुआ था, जहां ये स्टॉक ओपन हुआ था, उससे हमारा अभी का क्लोजिंग, जब भी हम इस स्कैनर को रन कर रहे हैं उससे ऊपर हमारा क्लोजिंग आ रही हो राइट नाउ, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग है हमारी, ये कल के भी क्लोजिंग से ऊपर होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन वन डे एगो, और यहां पे हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, तीन दिनों का हमने हाई और लो के रेंज को कंपेयर कर लिया, आज के हाई लो के रेंज से, और लेटेस्ट क्लोज को कंपेयर कर लिया ओपन से, लेटेस्ट क्लोज को कंपेयर कर लिया कल की क्लोजिंग से। अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम वीकली भी यहां पे लगा देते हैं, राइट। वीकली के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हमने यहां पे कर दिया, और लेटेस्ट की बजाय यहां पे हम कर देंगे वीकली, ठीक है। यानी कि वीकली क्लोज हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए वीकली ओपन से। तो हम यहां पे भी कर देंगे वीकली और ओपन, यानी कि ये स्टॉक जो आपका आज जो आ रहा है ये आपका वीकली में भी ट्रेंडिंग में चल रहा हो, ऐसा स्टॉक हमारा निकल के आए, ठीक है। यानी हमारा जो क्लोजिंग चल रही है वीकली वाली वो भी ग्रेटर देन हो वीकली ओपन से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब हम यहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम का भी यहां पे डालेंगे, भाई उस स्टॉक के अंदर हमारा वॉल्यूम भी होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक दिन पहले का हमारा जो कहा जाए कि एक दिन पहले का हमारा जो वॉल्यूम है वो हम 1 लाख से ऊपर ले लेते हैं। तो हम यहां क्लिक करके वॉल्यूम ले लेते हैं, और लेटेस्ट की बजाय इसको हम वन डे एगो कर लेते हैं, और इसे हम कर देते हैं ग्रेटर देन, और ये जो नंबर हमारा आ रहा है 20 इसको हम कर देते हैं 1 लाख। तो एटलीस्ट भाई 1 लाख का हमारा यहां पे वॉल्यूम होना जरूरी है एक दिन पहले की अगर हम बात करें। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हमारे निकल के आए जो कि हमारे 100 से ज्यादा के हों, ऐसा ना हो कि भाई हमारे छोटे छोटे स्टॉक्स यहां निकल के आ जाएं। तो इसमें हम फिर से कर देंगे कि एक दिन पहले का हमारा जो क्लोज है, ठीक है, वन डे एगो का हमारा क्लोज आप कर दीजिए यहां पे, वन डे एगो क्लोज शुड बी ग्रेटर देन कर दीजिए यहां पे, ठीक है, ग्रेटर देन कर दीजिए, और इस नंबर को आप कर दीजिए 100,
सॉरी यहाँ पे इस नंबर को कर दीजिए 100, यानी कि 100 से ऊपर वाले स्टॉक्स ही हमारे यहाँ पे निकल के आए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स निकालिए जो कि आपके जिनका प्राइस है वो 3000 या 2000 से कम हो, ऐसे स्टॉक्स निकल के आए। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको फिर से कॉपी कर देना है। तो वन डे अगर क्लोज शुड बी लेस देन कर दीजिए, ठीक है, लेस देन करके और नंबर के अंदर आप अपने हिसाब से जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3000 डाल दिया, यानी ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो 100 से लेकर 3000 के बीच में जिनका रेंज चल रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और हम करेंगे कि यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी चेक करेंगे, यानी एक दिन पहले हमारा 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EMA कर देंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दिया और ये 20 आ गया, बट ये लेटेस्ट ना होके हमारा एक दिन पहले का होगा, यानी एक दिन पहले का हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 50 डे के मूविंग एवरेज से, एक दिन पहले जो 50 डे का मूविंग एवरेज है उससे ऊपर हो हमारा। तो आप इस 20 को आप क्या कर दीजिए, 50 कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। हमने क्या किया, 20 डे मूविंग एवरेज को भी हमने चेक कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपको ट्रेंडिंग स्टॉक मिला, जितनी ट्रेंडिंग की आप कहा जाए कि शर्तें हो सकती हैं वो हम सब यहां पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने हाई लो के रेंज को पकड़ लिया, एक दिन पहले की हाई रेंज, दो दिन पहले की, तीन दिन पहले से ज्यादा हो सबसे पहले। फिर हमने ले लिया कि भाई हमारा लेटेस्ट क्लोज जो है हमारे ओपन से ज्यादा हो, लेटेस्ट क्लोज हमारा एक दिन पहले के क्लोज से ज्यादा हो, वीकली के अंदर भी वीकली क्लोज हमारा वीकली ओपन से ऊपर, यानी ट्रेंडिंग 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 स्टॉक ही चाहिए मेरे को। फिर वॉल्यूम भी हमने लगा दिया कि उसके अंदर वॉल्यूम भी होना जरूरी है। उसके बाद हमने लगा दिया कि 100 से लेकर 3000 के बीच के प्राइस वाले स्टॉक निकाल के बताओ, और फिर हमने लगा दिया कि 20 डे का मूविंग एवरेज 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर होना जरूरी है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लगा रहे हैं, VWAP। VWAP को भी हम देखेंगे, VWAP बहुत एक इंपॉर्टेंट कहा जाए कि फैक्टर होता है। तो आज का लेटेस्ट हमारा VWAP जो है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए एक दिन पहले के VWAP से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पे एक दिन कर दिया, अब इसको कॉपी किया हमने, इसको हमने क्या कर दिया, दो दिन के वीक से भी कर दिया कि दो दिन पहले के VWAP से भी ऊपर हो और तीन दिन पहले के VWAP से भी ऊपर हो, ऐसा स्टॉक निकाल के बताओ। यानी हम अपनी मल्टीपल कंफर्मेशंस को यहां पे ले रहे हैं। मल्टीपल कंफर्मेशंस को जब आप लेते हैं तो आपकी कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गुड स्टॉक्स विल बी मोर। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स आपको यहां पे मिलते हुए नजर आते हैं। अब यहां तक तो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम जो हमारी पहली कैंडल बन रही है उसके 5 मिनट की कैंडल का हम वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे क्लिक किया हमने और वॉल्यूम को लिख दिया हमने, सॉरी यहां पे मैंने वॉल्यूम लिखा, और जो वॉल्यूम होगा ये कौन सा वॉल्यूम होगा, ये हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल का वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं। इस जीरो को आप कर देंगे फर्स्ट कैंडल, यानी पहली 5 मिनट कैंडल का वॉल्यूम हमारा ज्यादा होना चाहिए किससे, कम से कम हमारा 10,000 उसके ऊपर, 10,000 से ज्यादा का वॉल्यूम हमारी पहली ही कैंडल पे आना जरूरी है, ठीक है। पहली कैंडल का वॉल्यूम हमने चेक कर लिया, अब हम यहां चेक करेंगे कि पहली 10 मिनट कैंडल का जो हाई है वो हमारा कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना जरूरी है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहां पे हाई, ठीक है, और यहां पे हम कर देंगे फर्स्ट 10 मिनट कैंडल। तो यहां पे 10 कर दीजिए और इसको फर्स्ट कर दीजिए, यानी पहली 10 मिनट कैंडल का हाई, ठीक है, हमारा ग्रेटर देन हो, यानी यहां पे हम लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल कर देते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां पे अब हम कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे हम करेंगे SMA, यानी सिंपल मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं, SMA नहीं ले रहे हैं, SMA ले लेते हैं, EMA नहीं ले रहे हैं, और यहां पे 10 मिनट का ना लगा के आप कर दीजिए इसको लेटेस्ट, ठीक है, यहां पे लेटेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक है,
तो 20 डे का जो लेटेस्ट हमारा एसएमए आ रहा है उसके ऊपर हमारा पहली 10 मिनट कैंडल का हाई का होना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि हमारी दूसरी जो 5 मिनट कैंडल का हाई बनेगा वो भी हमारा 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो। दूसरी 5 मिनट कैंडल, ये पहली 10 मिनट कैंडल कर ली और दूसरी 5 मिनट कैंडल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड कैंडल करेंगे और 10 मिनट की बजाय आप इसको 5 मिनट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी 5 मिनट कैंडल का हाई हमारा ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए लेटेस्ट एसएमए क्लोज ऑफ 20। ये इतनी कंडीशंस हमने लगा दी दोस्तों। देखिए, एक हमने लगा दिया कि हाई माइनस लो लेटेस्ट जो चल रहा है वन डे गो के हाई लो का जो रेंज है उससे ज्यादा हो, फिर दो दिन की हाई लो के रेंज से ज्यादा हो, तीन दिन की हाई रेंज से ज्यादा हो, लेटेस्ट क्लोज हमारा ओपन से ज्यादा हो जिससे हमें अच्छा स्टॉक मिले, ट्रेंडिंग स्टॉक मिले, फिर लेटेस्ट क्लोज हमारा एक दिन पहले का जो क्लोज था उससे भी ऊपर होना जरूरी है। यानी आज जो हमारा प्राइस चल रहा है कल की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा, तो ऑलरेडी वो स्टॉक जो आपका कल के मुकाबले ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। फिर आपने वीकली क्लोजिंग भी देख ली कि भाई वीकली ओपन से ऊपर हो, यानी वीकली भी ट्रेंडिंग में चल रहा हो। फिर आपने एक दिन पहले के वॉल्यूम को भी चेक कर लिया कि कम से कम 1 लाख का वॉल्यूम कल रहा हो तो आज जो उसके अंदर मोमेंटम रहेगा। फिर आपने क्या कर दिया, आप 100 से लेकर 3000 के बीच के आपने स्टॉक्स निकाल लिए। फिर आपने 20 डे मूविंग एवरेज जो कल का था वो 50 डे के ऊपर रहा हो, यानी वो भी ट्रेंडिंग की आपने शर्त लगा दी। उसके बाद आपने वी वैप आज का जो था उसको 3 दिनों के वी वैप से ऊपर रख लिया, ये भी एक शर्त हो गई कि भाई ट्रेंडिंग स्टॉक निकल रहा है। उसके बाद आपने वॉल्यूम की और फर्स्ट 10 मिनट कैंडल का हाई और फर्स्ट दो जो कैंडल हमारी 5-5 मिनट की बन रही है उनके भी हाई को कंपेयर कर लिया 20 डे का मूविंग एवरेज जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उससे। इतना सब कुछ करने के बाद आपका स्कैनर हो गया है रेडी, और अब अगर हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते दिख रहे हैं। मैं इसको एक बार रन कर रहा हूं दोस्तों निफ्टी 500 के स्टॉक्स में, और देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। आप देखेंगे कि आपको पूरे के पूरे स्टॉक्स जो निकलेंगे वो ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स आपको निकल के आने वाले हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक यहां पे निकल के नहीं आएगा जो ट्रेंडिंग ना हो रहा हो फर्स्ट 5-10-15 मिनट के अंदर। यहां खेल क्या है, यहां पूरा का पूरा खेल दोस्तों है कि आपको इसको सही टाइम पे रन करना है। जो स्टॉक्स आपको मिले पहली 5-10 मिनट कैंडल का उसके हाई पे जैसे ही ब्रेकआउट हो बस ब्रेकआउट में आपको एंटर कर जाना है, और फिर आप अपनी जो भी आप टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हुए आपको इसके अंदर प्रॉफिट बनाना है। देखिए जैसे इसको देखिए, अब आपने पहली 1-2 कैंडल देखी और यहीं पे ही आपको कल ये भेल मिल जाता, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो रहा है आप इसको प्ले कर सकते हैं, चाहे सुपर ट्रेंड के सहायता से प्ले कीजिए, चाहे आपके पास जो भी RSI है, MACD है, दुनिया जहान के आपके पास सिस्टम्स हैं उनकी सहायता से आप इसको ट्रेड कीजिए। जितने स्टॉक्स निकल के आएंगे वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हो सकता है उस दिन आपको अपने अपर सर्किट भी टच करते दिखाई दे जाएं। ये देखिए पहला ही मतलब 1-2 कैंडल और बस बूम हो जाना है आपका। तो आपने क्या करना है भाई, यहां पे बस पहली 1-2 कैंडल का ब्रेकआउट आया और बस प्ले कर दिया। मेन है स्टॉक्स का सिलेक्शन करना, स्टॉक्स आया लगाया और बस ट्रेड कर दिया। बहुत ही जल्दी मैं ये भी लेके आने वाला हूं कि चार्टिंग का आपने स्कैनर बनाया और उस स्कैनर से एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे, मैं वो भी लेके आने वाला हूं। बहुत 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 जल्द वीडियो आने वाला है उसका भी, राइट। बने रहिए लर्न विद के चैनल के साथ, जिसने यहां पे ठान रखा है कि जितने हमारे व्यूअर्स यहां देख रहे हैं उनको एक से बढ़कर एक स्कैनर, एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजीज, जितना ज्ञान है जिसके लिए आप हजारों लाखों रुपया पेमेंट कर रहे हैं कहीं मार्केट के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो नॉलेज है शेयर करना है पब्लिक के साथ और उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है, राइट। तो आशा करता हूं कि आप इस स्कैनर को बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी स्कैनर को सेव करके आपको नहीं देता हूं, ना उसकी लिंक देता हूं। मैं चाहता हूं आपने जैसा देखा है वैसा आप बनाइए, सेव कीजिए, रन कीजिए, यूज कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, यही एक भय है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे इसको तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप सीखेंगे भी,
आपका दिमाग भी खुलेगा, चार्टिंग का स्कैनर कैसे बनता है आपको पता चलेगा, कैसे रन होता है पता चलेगा, कुछ सीखोगे मेरे दोस्त। हमारा केवल उद्देश्य ये नहीं कि हमने सिखा दिया, आप खुद से भी सीखें। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। आपने 100 लिखा, 1 लाख लिखा, इसको 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, फिल्टर होते जाएंगे स्टॉक्स, राइट। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से भी इसमें RSI जोड़िए, MACD जोड़िए, मतलब अपने दिमाग का भी यूज करिए। मैंने आपको राह दिखा दी, अब राह पे चल के आपको कैसे मंजिल तक पहुंचना है तो दोस्त आपको ही काम करना पड़ेगा, ठीक। तो आशा करता हूं वीडियो को भर भर के लाइक आने वाले हैं, भर भर के कमेंट कीजिएगा। विदाउट कमेंट दोस्तों कोई मत जाइए, कम से कम जय हिंद लिख के चले जाइएगा, वही मेरे दिल को तसल्ली देगा, राइट। तो यूज कीजिए, बताइएगा कैसा लगा स्कैनर, और फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।